आप सभी को अभिनंदन, नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज को आज एक उत्साह का माहौल भी है और भारतीय जनता पार्टी भाई दूज के इस पावन पर्व पर आप सभी को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। आज एक गंभीर विषय को लेकर हम यहां एकत्रित हुए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के हित के लिए है कि किस प्रकार कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो लगातार, और हम ये कई वर्षों से देख रहे हैं कि देश के लिए अहित सोचते हैं और देश के हित के लिए कभी चिंता नहीं करते हैं। बंधुगण, ये हम सब के लिए खुशखबरी है कि जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस प्रकार से पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं और वो पहली बार हो रहे हैं, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके माध्यम से किस प्रकार डेवलपमेंट और विकास जड़ों तक पहुंच सके और खास करके उस जम्मू कश्मीर में जहां कई वर्षों तक अनुच्छेद 370 के कारण डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया था, कुछ वर्गों के साथ एक तरह से अलगाववाद का रुख अपनाया गया था, चाहे वो दलित हो चाहे वो महिला हो, तो वहां डेवलपमेंट कैसे पहुंचे, DDC के चुनाव हो रहे हैं। और हमने यह भी देखा कि जहां भारतीय जनता पार्टी DDC का चुनाव लड़ रही है, वहीं पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, ये जो गुपकर डिक्लेरेशन का एक अलायंस है, वह भी चुनाव लड़ रहा है। कल कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि जो 10 पार्टी ये गुपकर अलायंस में हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे DDC के, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। ये जो गुपकर अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है इस अलायंस में, और एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। बंधुगण, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी के कहने पर जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला जी से मिले और जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें एक लाइन लिखा गया है, मैं पढ़ता हूं, टू डिफीट दोज हु हैव बीन फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग द लॉज इन यूनियन टेरिटरी, कि ये जो गुपकर अलायंस है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बाध्यतम फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं उन शक्तियों को हराना है। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का, फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है, यह कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। कौन बनाता है यह कानून? हिंदुस्तान की जनता की प्रतिनिधि इन कानूनों को हिंदुस्तान के सर्वोच्च मंदिर जो डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है, पार्लियामेंट में बैठ करके विचार विमर्श करके लोकतांत्रिक तरीके से ये कानून बनाती है, फिर आप कह रहे हैं कि हम फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आप उन लोगों को हराना चाहते हैं जो लोग हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के मिट्टी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। यह बहुत ही धिक्कार का विषय है। बंधुगण, मैं राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप आज गुपकर अलायंस में हैं, इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे। और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। एक चीन के साथ मिलना चाहता है, एक तिरंगा नहीं उठाना चाहता है। और चिदंबरम जी उसी समय सिंक्रोनाइज करके ठीक उसी समय जिस प्रकार इस प्रकार के बयान NC और PDP द्वारा दिए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसी समय चिदंबरम जी के माध्यम से ट्वीट किया था कि अनुच्छेद 370 हटाना यह बहुत ही अनुचित है और हम अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं, हम वापस लाएंगे। जस्ट कनेक्ट द डॉट्स माई फ्रेंड। जिस दिन अनुच्छेद 370 पे डिबेट और डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ था, कांग्रेस पार्टी, आप याद करिए वो दृश्य,
सोनिया गांधी जी इशारा करती हैं और तुरंत अधीर रंजन चौधरी खड़े हो जाते हैं और अमित शाह पर हमलावर होकर कहते हैं कि आप अनुच्छेद 370 पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, ये तो बायलेटरल मसला है, बिना पाकिस्तान के अनुमति के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ये डिस्कशन कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें इफ यू कनेक्ट द डॉट्स यू फाइंड दैट राइट फ्रॉम द डे वन टिल टुडे एवरीथिंग स्टैंड्स कनेक्टेड, ये सब जुड़े हुए। उस समय अनुच्छेद 370 पे डिस्कशन नहीं कराने की इच्छा, आर्टिकल 370 ना हटे, बाद में कोई तिरंगा ना उठाए, चीन की सहायता से किस प्रकार अनुच्छेद 370 वापस आए, ये गुपकर है या गुप्तचर है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है, ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है, ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम में जाकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है और अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए। वो संयुक्त राष्ट्र तक चली गई है और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, चूंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे हैं या नहीं है? आप इनको रिजेक्ट करते हैं या इनको सपोर्ट करते हैं? आप इन वाक्यों के साथ खड़े हैं या इन वाक्यों के विरोध में खड़े हैं? मैं तो बिल्कुल सच कहता हूं आज, और बीजेपी बिल्कुल एक्सपोज करना चाहती है, इन सब की सांठगांठ है और राहुल और सोनिया जी के सांठगांठ से ही, चाहे वो पीडीपी हो चाहे फारूक जी हो, इन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, आपने उनका स्टेलार परफॉर्मेंस, विराट परफॉर्मेंस तो देखा ही होगा, बिहार में अभी हुआ है, कितना कमाल का स्ट्राइक रेट रहा है वहां पर। बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कहा है चुप कर, चुप कर, देश के विरोध में ना बोल। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370, चीन, इन सभी विषयों को लेकर जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री को कायर कहा था, देश को डरा हुआ, छुपा हुआ, हरा हुआ कहा था, जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुपकर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर। जिनको चुपकर कहा गया वो गुपकर बनने चले हैं। बंधुगण, ये जो पार्टनरशिप है एनसी पीडीपी राहुल जी सोनिया जी, एमओयू चीन पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान राहुल जी के नाम से पहला वाक्य ड्रोसियर में देता है, ये क्या है? ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप के पीछे क्या राज है, इसके विषय में कौन जवाब देगा? राहुल जी, आपके लिए आज शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया है कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं, आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। आप साइकिल पर बैठे, आज साइकिल की क्या हाल है, बाद में आपको साइकिल के कैरियर से उतारना पड़ा। आप लालटेन के पास बैठे, पानी निकालकर, मिट्टी का तेल निकालकर पानी भरा, लालटेन बुझ गया, जिसको जिसको छुआ है वो सब बुझ गया है, मिट गया है। और आज हम तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सच्चाई कहती है, आज आपके साथी सच्चाई कह रहे हैं, आपको आपके साथी शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट NPPP हैं, नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं आप NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, और अब तो आपके साथ ही कह रहे हैं आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं, आप पिकनिक करते रहते हैं। और वैसे में ये चले हैं गुप्तचर गुपकर अलायंस बनाने के लिए, उनका भी क्या हश्र होगा वह भी आप देखना। साइकिल भी नहीं रही, लालटेन भी समाप्त हो गया है, ये गुप्तचरों का भी वही होगा। एंड एट द एंड आई वुड से दिस अलायंस is an unholy alliance, not only in the combination, unholy for the country. ये देश के लिए सही alliance नहीं है।
और ये एक नर्वस एंड अनफॉर्म्ड अलायंस है. दिस अलायंस इज अ नर्वस एंड अनफॉर्म्ड अलायंस. दे आर नर्वस दैट इफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेस्ट द टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स बट नेचुरल दैट दे विल से गुड बाय to all these political parties which form the Gupkar alliance. If they taste the taste of development, they will never stand in support of separatism. They will always stand for Vikaswad, which Narendra Modi ji said recently in the Dhanyavad Gyapan speech after Bihar election. मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और कोई सवाल आपके मन में हो तो अवश्य पूछे. यस सर. देखिए, कपिल सिब्बल जी ने आज एक मुख्य अखबार में इंटरव्यू दिया है. बहुत सारे बिंदु उन्होंने उठाए हैं. वैसे तो वो उनके पार्टी का विषय है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं, मगर कपिल सिब्बल क्या, ये तो 5 दिन राहुल जी को देखने के बाद, मात्र 4-5 दिन देखने के बाद ओबामा जी को सत्य मालूम पड़ गया कि ये नर्वस एंड अनफॉर्म्ड लीडर हैं, इनसे ना हो पाएगा. जो दूर 7 समुंदर पार ओबामा जी को मालूम पड़ गया, ये 7-8 दिन हफ्ते में जिसके साथ रहते हैं उनको पान मालूम नहीं है. कांग्रेस के सारे लोग जानते हैं जी कि ये नर्वस और अनफॉर्म्ड है, मगर कब तक आप बताइए, कब तक 100 टन का पत्थर दिल पे रख के ये सब चुप बैठेंगे? धीरे धीरे ये जो 100 टन का पत्थर अपने दिल के ऊपर रख के कांग्रेस के नेता गुणगान कर रहे थे गांधी परिवार और परिवारवाद का, अब धीरे धीरे वो पत्थर उनको ही सफोकेट कर रहा है, उन्हीं की सांस बंद हो रही है. इसलिए ये पत्थर को साइड में रखकर, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो G23, आपको याद होगा 23 नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी थी, चाहे कार्ति चिदंबरम हो, अरे घर के अंदर ही भेद हो गया है, घर के अंदर ही लड़ाई चल रही है. मैं तो कहता हूं गुप्तचर अलायंस बाद में करना, पहले अपने घर का ही अलायंस ठीक रखो. और कभी कभी तो मुझे बिल्कुल लगता है कि सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी ने अभी, हाल आपको पता नहीं होगा शायद, हाल फिलहाल में तीनों ने एक मीटिंग की है, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने, और मीटिंग में कहा है कि भले सब चले जाए, हम तीनों तो एक साथ रहेंगे, हम अलग नहीं होंगे. जी See, as far as Congress is concerned, why is Congress isolated is a larger question. Not only outside of the Congress party, but within the Congress party also the Gandhi family, particularly Sonia ji and Rahul Gandhi, stand isolated. The reason for this isolation is the ideology of the Congress party. The ideology of the Congress party since long, since its inception, has been threefold. One, casteism or casteist politics. Two, appeasement politics. And three, the family fiefdom politics, politics of family fiefdom. Modi ji, right from day one, our leader has maintained and strongly said that wo yug samapt ho gaya. जब हिंदुस्तान की जनता परिवारवाद के लिए खड़ी होती है, जब हिंदुस्तान की जनता विकासवाद के लिए नहीं खड़ी होती है, तुष्टीकरण, जातिवाद और परिवार की राजनीति समाप्त हो रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अब आइसोलेशन में है. एंड द वंस हु हैव रियलाइज्ड दैट डेवलपमेंट इज द ओनली एम आर द वंस हु विल सर्वाइव, एंड दिस इज वॉट हैपेंड इन बिहार. एंड इन द धन्यवाद रैली ऑफ बिहार फ्रॉम द पार्टी हेडक्वार्टर्स, फ्रॉम वेयर वी आर हैविंग दिस पीसी, आवर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओनली रिइटरेटेड दैट लुक, यू हैव टू बी स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द फेंस, एंड द राइट साइड ऑफ द फेंस इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट. नो मोर क्वेश्चन सर, थैंक यू सो मच. Thank you.